इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि ना हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना काफी देर हो गई है और अगर हम अभी नहीं गए ना तो कोई मुसीबत हो जाएगी। क्या यार, इतना रोमांटिक मौसम है और उसमें आप ऐसे डर रहे हैं जैसे कि कोई भूत घूम रहे हैं आसपास। इलायची जी, वो क्या है ना कि एक बार भूत ने हमें पकड़ लिया ना तो फिर भी हमें माफ कर देगा, लेकिन अगर सेठ जी को हमारे सत्य के बारे में पता चल गया ना तो हमें इस तरह ऐसे पेड़ से लटका देंगे और हमारा ना झूला डाल देंगे वहीं पे, समझी आप? प्यार कर रहे हैं हम लोग, किसी की मुर्गी चुरा के नहीं आए जो फंस जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ो, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ। क्या कर रहे हैं आप इलायची जी? सेठ जी ना हमारा गला पकड़ लेंगे सीधा, हम नहीं पकड़ रहे। नहीं पकड़ोगे? नहीं। अगर आप अभी मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे ना तो मैं आइसक्रीम वाले को बुलाऊंगी और उससे कहूंगी मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है कि हम आपके मजाक मान लेंगे। चल 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 चल। आइसक्रीम वाले भैया, दिन दहाड़े बीच बाजार किसी की बहन बेटी का हाथ पकड़ रहा तू, यो ही संस्कार है तेरे? ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िया मैं। अच्छा, लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तू और बदतमीजी कर रहा मैं? एक सेकंड भैया, आपको गलत फहमी हुई क्या? ओ बहन जी, आप बीच में ना बोलो, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, इसने हाथ कैसे पकड़ा आपका? देखिए, बहुत हिम्मत के बाद हमने उनका हाथ पकड़ा है और इसमें कोई झूठ नहीं है और ये आपकी गलत बात है, हमने उनका हाथ पकड़ के कोई गलती नहीं की है, समझिए हमारी भावनाएं एकदम साफ है, छोड़िए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कल को तू किसी और लड़की की गोद में टपक के बैठ जाओगा और कहेगा इसमें तो जी हमें अपनी माँ नजर आ रही है क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत साफ है, तो मैं मान लूंगा क्या? छोड़िए, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, ये क्या माँ, क्या ये कोई अनजान नहीं है? हाँ तो बोल दे, बीवी है तेरी। आप बिल्कुल सही समझा आपने, आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको कुछ समझ है, ये हमारी बीवी है। सही कहा आपने। अच्छा तो सनी लियोनी मेरी ताई है, बोल बेटे। देखिए, आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि सनी लियोनी आपकी ताई है, समझे आप? तो तेरी शक्ल देख के कौन सा लगे कि वो तेरी बीवी है? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, देखिए अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप इनसे पूछ क्यों नहीं लेते? इलायची जी बता दीजिए ना कि हमारा रिश्ता क्या, दिमाग खा रहे हैं आदमी। ये जीजा जी, जीजा जी जी, कौन से जी? जीजा जी, भगवान घोर कलयुग। इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? अब जीजा जी क्यों बुला रही हैं हमें? अब बताइए ना कि हम आपके पति परमेश्वर हैं। अरे क्या बताऊं जीजा जी, आप इसको बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार, और क्या बताएंगे आप? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। देखिए भाई साहब, दाल में कुछ काला नहीं है, समझे आप दो मिनट रुक जाइए ना, हम बता रहे हैं ना भाई साहब, दो मिनट रुकिए, बताइए ना इलायची जी। जीजा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बता क्यों नहीं रही, बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार। लड़की पे चीख क्यों रहा है, धमका रहा है उसे? देख, अगर तू इसका पति होता ना तो इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, अभी सबक सिखाऊं तेरे को। चल मार से। अरे हम हैं जी, आपका झगड़ा हुआ दिखे, इतने सीधे साधे आदमी को कुटवा दिया आपने, ये कोई बात हो गए भाई? सॉरी है। अरे अरे अरे, वो देखो, वो उधर बैठे चोंच ला रहे, पकड़ 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 ओ पकड़।
अरे एलाइजी जी, आप बता क्यों नहीं रही है कि हम आपके पति हैं यार? 100 बार बोल दिया हमने आपको, आप बता ही नहीं रही है उसको। क्या आंखें मटका रही हैं? यार ये दिल्ली कहां से आ गया सालो? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। पिंटू जी, आज का दिन ना मेरे लिए बड़ा लकी हो रखा है। मतलब आपने, सोचो आपने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। तो आपका ये दोस्त, आपका ये हमदर्द, आपका ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर है, बताइए। देखिए सोनपाल जी, बहुत दिन हो गए हम लोगों को दोस्ती निभाते हुए, तो क्यों ना अब इस दोस्ती के आगे का प्रोग्राम बनाया जाए। पिंटू जी, आपको पता नहीं है इस कुर्ते के अंदर ना मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, और ये देखिए हथेली पे पसीना सा आ रखा है, और पेट में ना गुड़गुड़ सी हो रखी है। पिंटू जी बताइए, पिंटू जी बताइए बताइए ना पिंटू जी, क्या नाम दें हमारे इस रिश्ते को? एक मिनट, आप तो शर्मा ही गई पिंटू जी। सोनपाल जी, अपना ये कपड़ा हटाइए। हैं? ठीक है। बताइए कौन सी आपको पसंद है भाई? मैं ना इस रक्षाबंधन पे आपको बांधूंगी। बताइए फिर देर किस बात की, आप पसंद कीजिए। पिंटू जी, गैस ऑन कर रखी मैंने, वो दूध उबले खा रहा है, मतलब बाहर ना आता है, तो मैं आता हूँ। अरे अरे सुनो तो सोनपाल जी, अरे बेटा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, साले सोन पापड़ी राखी तो मैं तुझे बांध के रहूंगा। सोनपाल जी। पिंकी अंकल, पिंकी अंकल, क्या है? अपना मतलब इलायची, तुम इस तरह से बिल्ली की तरह पिंकी जी का रास्ता क्यों काट रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल, पापा के पास ही जा रही है ना? हाँ बिल्कुल जा रही है। पिंकी अंकल प्लीज प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। माना कि मैंने और जीजा जी ने शादी करी हूँ, लेकिन सब बहुत जल्दी में हुआ, टाइम नहीं मिला पापा को बताने का। हैं? शादी है या कोई पतंगबाजी ना है जो पापा को बचाने का टाइम ही नहीं मिला? बताइए का मतलब हुआ? नहीं दरोगा साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि सेठ जी इस बात को सुनने की क्षमता रखते हैं, तो हम उन्हें पक्का बता देंगे, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम जो है ये बात बता के बहुत बड़ा एहसान करोगे सेठ जी पे? देखिए आप प्लीज पापा को मत बताइए, मैं बहुत जल्द खुद पापा से बात करूंगी, उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज आप जी प्लीज मत बताइए। क्या उसमें क्या पिंकी जी को क्या नहीं बताएंगे? पिंकी जी सच्ची, पिंकी अंकल मतलब आप पापा को कुछ नहीं बताएंगे? ना ना, कब्ज की तरह ना था आ वो करके पेट में ऐसा दबा के रख लेंगे बात को। हाँ अच्छा, पिंकी जी को ना थाने में बहुत जरूरी काम हो रखा, करेले काट के आए थे सुबह। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे मुबारक हो आप लोग को। थैंक यू। हाँ एलाइची जी, ये दरोगा साहब इतनी जल्दी कैसे मान गए यार? अरे यार बेवजह ना आपने अपनी शक्की चक्की मत चलाई है। अरे वो मुझे तब से जानते हैं जब मुझे टंटा बोलना भी नहीं आता था, मतलब समझ रहे ना? नहीं समझ नहीं रहे एलाइची जी, फिर भी आप एक बार ही सोचिए तो सही। अरे प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा, बहुत स्वीट है पिंकी अंकल, रिलैक्स करो। चलो रिलैक्स, चलो आओ। क्या बीवी को बस में करने की दवा चाहिए? अबे यहाँ मेरी बीवी बस में ना हो रही, तू बात कर रहा है बेकार की। चल अगर तुम्हारा तूने फोन किया ना मुझे, तो तुम बता रहे हो फोन में घुस के मारूंगा तुझे, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी,
ये देखिए लहंगे में 100 रुपए निकले। सुन, तू ये सारे लहंगे झाड़, अच्छी तरह से झाड़ लिए, हो सकता है कि 100, 500, 2000 के नोट भी मिल जाए। अरे आज आज लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी कृपा हो रही है मुझ पर। सुन, एक तू ही है जिसने ईमानदारी से मुझे ये पैसे दे दिए, अगर तू चाहता तो डकार भी सकता था। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम कब से आपके साथ काम कर रहे हैं और हमने आपका नमक खाया सेठ जी, आपके साथ और आपकी थाली में कभी छेद नहीं कर सकते। एक अकेला तू है जिसने नमक खा के जो है ऐसी ईमानदारी दिखाई है, नमक हरामी ना दिखाई। और एक वो है छटंकी जो मुझे खा गया, मेरा घर खा गया, फिर भी उसका पेट ना भरा। सुन मुझे ना तुझमें प्यार आ रहा है, पप्पी दे दे मुझे। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि सिर्फ पिंटू जी का हक है इसके। अरे ओ हाँ, तू गलत ले जा रहा है मेरी बात। अरे मैं प्यार वाली पप्पी ना, आशीर्वाद वाली पप्पी दूंगा तुझे, आ जा। अच्छा फिर ठीक है। हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी, ये कौन सी रिश्तेदारी निभाई जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो ऐसा टंटन जैसा लड़का मेरी दुकान में काम कर रहा है। पंचम सेठ जी। हाँ, कोई बात ना। ना वो तो है सेठ जी, वैसे ये पंचम काम के अलावा और भी बहुत कुछ कर रही है। सेठ जी आप तो यार बड़े कंजूस निकले हैं। अरे कंजूस क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात हो गई? ना मतलब ऐसे कोई मामूली बात ना हुई है सेठ जी, बहुत बड़ी बात है। ये पंचम ने और इलायची ने शादी कर ली और आपने पिंकी जी को मिठाई तक नहीं खिलाई। दरोगा जी ये कैसी घटिया बात कर रहे हो आप? ये आदमी घटिया है। साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि मतलब पंचम ऐसी घटिया हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ। अरे दरोगा जी नशा करके आए हो क्या सुबह ही सुबह? ना ना सेठ जी ये नशा नहीं करते, लेकिन हाँ आजकल ना कुछ अजीब सी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका असर है। तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप साहब से पूछ लीजिए। ये तू मुंह बंद करके खड़े रहे इधर, पीपीएम बोले जा रहे हैं। ना ना कोई दवा ववा का असर ना हो रखा है सेठ जी, और वैसे भी पिंकी जी पूरे होशो हवास में ये कह रही है और इलायची ने ये बात खुद अपने मुंह से पिंकी जी से कही है। दरोगा जी हाँ जी, बता रहा हूँ अगर आप दरोगा ना होते तो मैं यही आपका मुंह फोड़ देता। तो देर किस बात की सेठ जी, साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि सच सुनना है तो देर किस बात की है? हाँ। दरोगा जी अगर ये बात है ना तो इलायची के सामने साबित करो, तब आगे बात होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, सांच को आंच नहीं, 2 और 2 4 होते, 5 नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहां देख रही है? आंच देख रही हूं। करो इलायची। अबे टंटन। सेठ जी पंचम। अबे इधर आ। करो इलायची मारो। दरोगा जी हाँ जी, अब सब आ गए हैं आपके सामने है? अब जो भी बात होगी ना आमने सामने होगी, करिए। क्या हुआ इलायची के पापा, दरोगा जी क्यों आए हैं? सुन करू, दरोगा जी का मानना है इलायची ने इस टंटन के साथ शादी कर ली है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। दरोगा जी हाँ जी, सच सच बताइए
क्या ये सच्ची बात है? ऐसा है भाभी जी, पिंकी जी को अपनी कढ़ाई और करछी की कसम है। ये भाभी जी कौन सी गली में घुस रही हैं ऐसे? अरे दरोगा जी, इसकी आंख सुबह से फड़फड़ा रही है। ओह, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि आपने अपनी आंखों से देखा या ना। सेठ जी, ऐसा देखिए, पिंकी जी को ना ऐसे वैसे दूसरे किसी के मामले में घुसने की आदत एकदम ना है, पर क्या है कि ये मामला अपने मोहल्ले का है, इसलिए ये बात पिंकी जी के पेट में हजम ना हुई निकल आई। लुगाई साला। मतलब साहब जी की आदत लुगाई वाली ना है, जो इधर की बात उधर करे, ये बोल लिया था मैं। हाँ पिंकी अंकल। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप चीचा जी? मैं ये तो पहले से शादी शुदा है, तो मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा है लाई जी, ये जो मतलब यहाँ पे मजाक का माहौल ना हो रखा। प्लीज आप पिंकी अंकल, हम लोग मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हो रखा है कि पिंकी जी तुझे याद दिलाए, भूल गए जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुम दोनों वहां खड़े भुट्टा खा रहे थे? और वो संस्कृति दल वालों ने आके तुम दोनों को पकड़ लिया था और पंचम की पिटाई करने वाले थे, तब तुमने यही बोल के पंचम को बचाया था कि ये तुम्हारा पति है। क्या 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 बोल रहे हैं ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाथ में हाथ भुट्टा खा रहे थे, ये क्या है पिंकी अंकल? मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ है? और हमें तो दुकान से फुर्सत नहीं है, और हमारी बुबू तो हमें कब से कह रही है कि भुट्टा खाने साथ चलो, हम तो उनके साथ भुट्टा खाने नहीं जा पा रहे हैं। सेठ जी, आपको तो हमने बताया भी था, बताइए ना दरोगा साहब को। अच्छा, मतलब तुम दोनों का कहने का मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी यहाँ खड़े खड़े झूठ बोल रही है? पिंकी अंकल, कोई सबूत है आपके पास? ना, सबूत तो कोई ऐसा है ना पिंकी जी के पास? दरोगा साहब, आप बिना प्रूफ के ऐसे किसी जवान लड़की पे ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? अरे ये आदमी ही घिनौना है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको घी लेना है ना डेयरी में। अरे मंगी लाल, यहाँ पिंकी जी का तेल निकल रही है और तू तो घी लेने की बात कर रही है, चुप कर यार तू। आप ना एक पुलिस वाले हैं और फिर भी बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी सैड पिंकी अंकल। और पापा, आप बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको बिना बताए शादी कर लूंगी? वैसे तेरे आधे पौने काम तो जो है बगैर बताए करती है तू मुझे। हाँ लेकिन शादी जैसा? बिल्कुल सेठ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दरोगा साहब को कोई गलत फहमी होगी, कोई और होगा। अच्छा हो, मतलब ऐसा है कि हो सकता है सेठ जी की ऐसे औने पौने में पिंकी जी को गलती लग गई हो, और मतलब मतलब सेठ जी, पिंकी जी ने यहाँ आप सबसे एकदम मतलब तहे दिल से माफी मांग रही है। दरोगा जी, कितने अजीब आदमी आप हैं, मेरी मासूम सी बच्ची के ऊपर आपने ऐसा कीचड़ उछाला। और इसी का मुंह काला हुआ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपका मुंह ना थोड़ा सा काला लग रही है, लगता है पिछले हफ्ते ठीक से ना ब्लीच ना करवाया आपने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ मंगीलाल, मतलब पिंकी जी जाके ब्लीच करा ही लेते हैं फेस अपना। चले ब्लीच। मेरा मतलब है
आइए साहब जी। हाँ चल, अच्छा चलते हैं पिंकी जी। I'm so upset. हम जाते हैं, हम अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, नाक कटवा दी साले ने। साहब जी मैं तो ये बोल रहा था कि अगर आपकी बात सच निकली तो इलायची ने ना सेठ जी की नाक कटवा दी। वैसे साहब जी एक बात बोलूं, बिना सबूत के ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है। अपना तू मंगीलाल को चार्ज ज्यादा ना फटक रिया है। अबे हटना, थाने जाके घुइया छिले यार, ये बोल रहा था मैं। हाँ जी आ रही हूँ सर। हटा पिंकी जी को गोली दी, नाको चने चबा दिए, पिंकी जी की खिचड़ी जला दी। ना 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 ना, पिंकी जी भी इतनी आसानी से हार मानने वाले ना हो रखे। पिंकी जी अब तो ये साबित करके ही रहेंगे कि इलायची और पंचम दोनों पति पत्नी हो रखे हैं।